हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काजल अमित वर्मा ब्लॉग्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का स्टू। तो आइए चलते हैं लौकी का स्टू बनाने। लौकी का स्टू बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ एक कुकर। कुकर को गरम कर लेंगे। कुकर गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। इसको गरम कर लेंगे तेल को। देख सकते हैं तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और लाल सूखा मिर्च। इसको डाल लेंगे, इसको चटकने देंगे। ये जो है चटक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू डाल के भून लेंगे। आलू जो है फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालेंगे लौकी को। लौकी को डाल के चला लेंगे और इसको भी एक मिनट के लिए भूनेंगे। ये जो है भून चुका है, अब यहीं पे इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर और ये हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। इन सभी को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मसालों को भी दो मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए मसाला भून चुका है, अब यहीं पे मैं डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको भी एक मिनट के लिए भून लेंगे। ये जो है भून चुका है, अब इसमें डालेंगे एक कटोरी पानी, इसको भी डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसमें पानी डल चुका है, अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको हाई फ्लेम पर 4 सीटी आने तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये लौकी का स्टू बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाएं। आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।